गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरी दुनिया में आप सबका स्वागत है। और मेरी मॉर्निंग कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, क्योंकि उठते साथ ही किंजा की नैपी मैं चेंज कर चुका था। और उसके बाद किंजा ने ये देखो क्या किया, सुबह सुबह अपने पापा पे कर दिया सुसू, न्यू टी शर्ट कर दी, खराब। अब मेरे को चेंज करना पड़ेगा ऑब्वियसली। सो गाइज, आज हमें वैक्सीन लगवाने के लिए जाना है, लेकिन मेरे साथ में सदफ भी जा रही है वैक्सीन लगवाने के लिए। ये बात सदफ को नहीं पता। सदफ को मैंने फिलहाल ये बताया कि अभी वो मेरे साथ में घूमने जा रही है, उसके बाद हम लोग वैक्सीन लगवाने के लिए, मतलब मैं वैक्सीन लगवाने के लिए जाऊँगा और वो कार में बैठी रहेगी, ऐसा उसको मैंने बोला है। उसको नहीं पता कि मैं उसको भी रजिस्टर करवा चुका हूँ वैक्सीन के लिए। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है रिएक्शंस देखने के लिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सदफ को इंजेक्शन से लगता है डर, आपको भी लगता है ना? किस किस को इंजेक्शन से डर लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने सुना है कि वैक्सीन लगने के बाद जितने भी लोग हैं उनको हाथ में, मतलब जिस हैंड पे लगता है वहाँ पर दर्द भी होता है। तो ऑब्वियसली सदफ का रिएक्शन देखने में तो भाई मज़ा आने वाला है। चलो फिलहाल मैं अभी फटाफट ये टी शर्ट चेंज कर लेता हूँ, मुझे बहुत गीला गीला लग रहा है इस पर। सो ये रहा मेरा लिटिल मॉन्स्टर, जिसकी वजह से मुझे दोबारा नहाना पड़ा। क्यों, पापा को गंदा कर दिया आपने? सुबह सुबह नैपी उतारी ही थी, चेंज कर रहे थे मतलब, और इन्होंने हमें बिगाड़ डाला। एक्चुअली इसके ना दांत निकल रहे हैं अभी भी, तो उसकी वजह से ना ये थोड़ा गुमसुम रहती है, कभी इरिटेटेड होती है। तो बच्चों के जब दांत निकलते हैं ना तो थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करते हैं। सदा पूरी है तैयार? मम्मी खाना तैयार है क्या? हाँ बस हो गया। क्या है खाने में? अरे वाह, शाही पनीर किसने बनाया है? शाजिया ने बनाया। क्यों भाई, कैसा बनाया? अच्छा खा के बताएं। चलो सही है भाई, अभी रोटी पक रही है यार, मेरे से रोटी गोल गोल नहीं पकती। सो भाई मेरी तो आज पार्टी है, मैं तो चला शाही पनीर खाने, तुम लोग क्या खाने वाले हो मुझे कमेंट में बताना। सो गाइस हम लोग निकल पड़े घूमने के लिए, मुझे भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। जहाँ हमारी गाड़ी हमें ले जाएगी वहाँ हम घूमने चले जाएंगे। तो मैडम तैयार है घूमने चलने के लिए? हाँ तैयार। तो चलो गाइज, ये हम आ गए हैं जहाँ पर हमें वैक्सीन लगनी है। ये मैंने दरवाज़ा खोला, देखते हैं अंदर कौन है कौन नहीं है। अंदर जा रहे हैं अभी हम। यार यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं थी, मुझे लग ही रहा था कि शायद ये सेंटर नहीं है, और वही हुआ, ये सेंटर नहीं है हमारा। एक ही पिन कोड पर यहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल दो हैं, तो अब हम दूसरे वाला जो स्कूल है वहाँ पर जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ चल कर। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन पर। मुझे लगता है आप सदफ को सच सच बता देना चाहिए। सदफ असल में हम कहीं घूमने नहीं आए, हम लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए? हम घूमने के लिए नहीं आए। आपने मुझसे झूठ बोला, और रजिस्ट्रेशन तो कराया नहीं, कैसे कर रहे? रजिस्ट्रेशन मैं करवा चुका था कल ही आपका अपने साथ में। अच्छा तो आप मुझसे कह रहे घूमने चलेंगे और वैक्सीन लगवाने के लिए आए? हाँ तैयार हो ना वैक्सीन लगवाने के लिए? मुझे डर लगता है। किससे? इंजेक्शन से। अब यार वैक्सीन से तो डरना चाहिए नहीं वैसे, क्योंकि वैक्सीन तो सबको ही लगेगी। तो आप मेरे साथ रहना। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि अंदर वो लोग अलाउ करेंगे हमें साथ में मतलब जाना, क्योंकि हमारी साइट अलग अलग है। बाकी अंदर चल के देखते हैं, पता चलेगा कि क्या होता है। आई थिंक अब सही जगह पर आए हैं, अंदर चल के पता चल जाएगा। भैया वैक्सीन यही लग रही है ना? वैक्सीन यही लग रही है ना? किधर? अच्छा चलो। सो हम लोग बढ़ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। डर तो नहीं लग रहा? थोड़ा थोड़ा लग रहा है, ज़्यादा नहीं लग रहा। थोड़ा थोड़ा लग रहा है, मुझे भी थोड़ी सी एंग्जाइटी सी है। डर तो नहीं है क्योंकि लगवाना तो है ही यार, बहुत टाइम के बाद इंजेक्शन लगेगा। ये भी वैक्सीन लगवाने आया है खुजली की। सो गाइज ये है वो एरिया जहाँ पर टोकन मिलता है, और ये पूरी जगह में जो वेटिंग पर लोग होते हैं वो आकर खड़े होते हैं और अपना टोकन लेते हैं, उसके बाद वैक्सीन लगती है। भाई बंदरों का तो यहाँ खतरनाक आतंक है यार, बंदर ही बंदर हैं। देखो अभी एक बंदर तो ये वाले जो भैया गए हैं ना अभी, इन पर कूद पड़ा जोर से, वो रहा वो बंदर जो कूदा था। एक्चुअली उसके पास बच्चा भी है, तो शायद वो डर की वजह से ऐसा उसने किया। सो ये वो जगह है गाइस जहाँ पर वैक्सीन लग रही है, ये लोग लाइंस में लगे हुए हैं। ऐसे अभी हम भी लाइन में लगेंगे, खड़े होंगे लाइंस में, पुलिस भी है यहाँ पर। सो फाइनली मैं तो आ गया हूँ लगवाने के लिए, मेरी साइट है। सदफ के हाथ में फ़ोन है, मेरे बाद सदफ का लगवाएंगे, फिलहाल मुझे लगेगा। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हाँ? नहीं। 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 नहीं।
दोनों वगैरह भी ले सकते और ये सदफ अपने डोले दिखा रही हैं इंजेक्शन लगाने के लिए। यहाँ पर सर मौजूद हैं, बैठ जाओ। और ये सदफ को लग रहा है इंजेक्शन, और सदफ टेंशन में, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं है, चल ड्रामा मत कर, चल चल, टाइट मत कर सदफ, टाइट मत कर, टाइट मत कर, पेन होगा, ढीला एकदम ढीला, लूज करो, लूज करो, बस। सो अब मैं और सदफ यहाँ पर आके बैठ गए हैं। हमें यहाँ पर 30 मिनट तक बैठना है कम से कम। ये ऑब्जर्वेशन एरिया है और यहाँ पर हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पर ना बिल्कुल ही एकदम क्लास वाला फील आ रहा है, जैसे स्कूल में क्लास का फील आता था। एक्चुअली है तो ये क्लास ही, और एक गवर्नमेंट स्कूल है गर्ल्स का, यहाँ पर हमारा सेंटर पड़ा था। सो गाइस फाइनली हम लोग को वैक्सीन लग गई है। ये पीछे जो आपको दिख रहा है ये हमारा सेंटर है। अभी तक तो कोई खास परेशानी हो नहीं रही है, फिलहाल सिर्फ लेफ्ट हैंड पर जहाँ पर हमें लगा है इंजेक्शन वहाँ थोड़ा थोड़ा ये पेन सा है, हल्का सा सनसनाहट सी है, और हो सकता है एक दो दिन बुखार भी रहे। सो उसके अलावा तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो लगवा ली, आप कब लगवा रहे हो बताना मुझे कमेंट्स में। और ये आ गए हम अपनी गाड़ी में, अब चलते हैं घर। आ जाओ मैडम बैठो। सो अभी हम रुके हैं यहाँ पर आइसक्रीम वाले भैया के पास। सदफ का मन कर गया अचानक आइसक्रीम देख कर। कौन सी खानी है? कौन सा? मटका कुल्फी। भैया एक मटका कुल्फी दे दो। नहीं है और कौन सी है? चॉकलेट। अच्छा ठीक है, एक ये दे दो और एक ये मैंगो दे दो मेरे को। आम भी ले लेते हैं। भैया आम कैसे दिए? 80 रुपए। 2 किलो निकाल दो। सो गाइस ये ले लिए हमने आम, आइसक्रीम मेरे हाथ में है। अब चल रहे हैं, मैडम लीची के पास खड़ी हो गई है। मुझे भी लीची बहुत पसंद है, मोल भाव चल रहा है भाई लोग। सो लीची बहुत महंगी मिल रही थी तो मैडम एक लीची उससे लेकर आ गई। मैं खाऊंगा अपना। अरे मास्क तो हटा लूं, मास्क के साथ साथ ऐसी आदत हो गई है पता भी नहीं चलता कब लगा है कब नहीं लगा हुआ है। तो आपने तो लीची खा ली, आइसक्रीम तो खाओगे नहीं? खाऊंगी। अच्छा मैं खा रहा हूँ आइसक्रीम भाई अपनी पहले ये। वाह मैंगो वाली आइसक्रीम मुझे तो बहुत पसंद है। ये चॉकलेट वाली तो बहुत ही अच्छी लग रही है। इतनी सारी खा ली? मेरा मुंह बड़ा है, मांग ली इसने फौरन हिस्सा मांग लिया। ये भी अच्छी है, अच्छी है, दोनों अच्छी है। ये 20 रुपए की है, 50 रुपए की है, तो ऑब्वियसली 50 वाली ज्यादा अच्छी है। देखो मैं घर में एंटर भी नहीं हुआ हूँ और इसने आतंक मचाना शुरू कर दिया। मेरे को लीश पकड़नी पड़ी, मेरे हाथ में लीश देखते साथ ही ना ये मचलने लगा। इसको चलना है अब घूमने के लिए, है ना टाइगर? चलो चलो। और अब हम आ गए हैं टाइगर को घुमाने के लिए, क्योंकि मैं घर पर आकर बैठता तो ये मेरा जीना मुश्किल कर देता जब तक कि मैं इसको घुमाता ना। सो गाइज ये देखिए हम अपनी किन्नू को फाइनली गोदी में लेकर बैठे हैं। जैसे हम लोग आए इसने हम दोनों को आके एकदम पकड़ लिया, जकड़ लिया, और हम लोगों ने आकर थोड़ा सा आराम किया था। अभी भी शरीर टूट सा रहा है, डॉक्टर ने बोला था कि बुखार भी आ सकता है, वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार भी कभी कभी आ जाता है। रोहन को आया था, मिस्टर रैंडम को, निश्चय को आया था, अभिषेक को भी आया था, तो शायद मुझे भी आ जाए पता नहीं अभी। लेकिन हाँ बॉडी एक तो है, थोड़ा सा वीकनेस सी लग रही है। सो आज का ब्लॉग हम यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।